नमस्कार दर्शकों, ये है मज न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं मज न्यूज टीवी। मैं हूँ आपके साथ शुभांगी। तो आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। सीएम शिंदे को ज्यादा लोकप्रिय बताने वाले विज्ञापन पर फडणवीस का पहला बयान। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की तुलना में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को अधिक लोकप्रिय बताने वाले विज्ञापन पर बीजेपी नेता ने कहा कि यह बस एक विज्ञापन है। महाराष्ट्र के सत्तारूढ़ घटक दलों में वाक युद्ध के बीच में नेता ने गुरुवार को कहा इस विवाद को अधिक तवज्जो नहीं देने का प्रयास किया कि एक विज्ञापन सरकार को कमजोर नहीं कर सकता। मंगलवार को राज्य में बड़े बड़े अखबारों में पूरे पन्ने का विज्ञापन छपने के बाद सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी और शिंदे की अगुवाई वाली शिवसेना गुट के बीच राजनीतिक खिंचतानी शुरू हो गई थी। इस विज्ञापन में एक सर्वेक्षण का हवाला देकर बताया गया था कि लोकप्रियता के मामले में शिंदे फडणवीस से आगे है। उसमें फडणवीस या शिवसेना के संस्थापक दिवंगत बाल ठाकरे की तस्वीर नहीं थी। विज्ञापन या बयान सरकार को कमजोर नहीं कर सकता। इस विज्ञापन पर विवाद पैदा होने पर दो दिनों तक किसी सरकारी कार्यक्रम में साथ नहीं आने के बाद गुरुवार को मुख्यमंत्री शिंदे और उप मुख्यमंत्री फडणवीस ने पालघर में एक कार्यक्रम में मंच साझा किया। दोनों ही नेता एक ही हेलीकॉप्टर से पालघर पहुंचे। शासन अपला दारी कार्यक्रम में शिरकत करते हुए फडणवीस ने कहा कि बीजेपी शिवसेना गठबंधन सरकार मजबूत है, एक विज्ञापन या बयान उसे कमजोर नहीं कर सकता है या इस सरकार के लिए कोई समस्या खड़ा नहीं कर सकता है। आइए पढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कर्नाटक में स्कूल और कॉलेजों में संविधान की प्रस्तावना पढ़ाना अनिवार्य। कर्नाटक की सिद्धारमैया कैबिनेट ने गुरुवार को स्कूलों और कॉलेजों में संविधान की प्रस्तावना पढ़ाने को अनिवार्य कर दिया। इसी के साथ साथ सभी सरकारी और अर्ध सरकारी कार्यालयों में भी संविधान की प्रस्तावना चित्र लगाना भी जरूरी करने का फैसला किया है। निर्णय पर समाज कल्याण मंत्री एच सी महादेवप्पा ने कहा कि स्वतंत्रता संग्राम को ध्यान में रखते हुए और संविधान तैयार करने के पीछे के विचार को लोगों को खासकर युवाओं को संविधान की प्रस्तावना को अनिवार्य रूप से पढ़ाना चाहिए। उन्होंने कहा कि यह युवाओं को राष्ट्र निर्माण में योगदान करने और सभी समुदायों के बीच भाईचारे को बढ़ावा देने के लिए प्रेरित करेगा। कैबिनेट में क्या क्या फैसले हुए। कर्नाटक मंत्रिमंडल धर्मांतरण रोधी कानून को निरस्त करने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक केशव बलिराम हेडगेवार और वीडी सावरकर सहित अन्य लोगों पर केंद्रित अध्यापकों को हटाने का फैसला लिया है। कर्नाटक कैबिनेट ने वर्तमान शैक्षणिक वर्ष के लिए राज्य में कक्षा 6 से 10 तक की कन्नड़ और सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तकों के पाठ्यक्रम में संशोधन को मंजूरी दे दी है। मंत्रिमंडल की बैठक में यह भी फैसला किया गया कि समाज सुधारक सावित्रीबाई फुले इंदिरा गांधी को लिखे गए नेहरू के पत्रों और डॉक्टर बीपीआर अंबेडकर कविता को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। इफाल में दो घरों में उग्रवादियों ने लगाई आग, सुरक्षा बलों ने छोड़े आंसू गैस के गोले। मणिपुर में पिछले कई दिनों से हिंसा जारी है। इस बीच गुरुवार को उग्रवादियों ने इफाल के न्यू चेकॉन में दो घरों में आग लगा दी। इसको देखते ही सुरक्षा बलों ने आंसू गैस के गोले छोड़े। पहले बुधवार को इफाल के लामपेल इलाके में अज्ञात लोगों ने महिला मंत्री नेमचा किपजेन के आधिकारिक आवास में आग लगा दी थी। न्यूज एजेंसी ने अधिकारियों के हवाले से बताया कि कमिन लोक इलाके के एक गांव में संदिग्ध बदमाशों के लिए हमले में 9 लोगों की मौत हो गई और 10 घायल हो गए। मणिपुर में क्या है स्थिति। मणिपुर के 16 से 11 जिलों में कर्फ्यू लागू है जबकि इंटरनेट सेवाएं निलंबित है। पीटीआई ने बताया कि एक महीने पहले मणिपुर में मैती और कुकी समुदाय के लोगों के बीच हिंसा में 100 से अधिक लोगों की जान चली गई थी और 310 अन्य घायल हो गए थे। राज्य में शांति बहाल करने के लिए सेना और अर्धसैनिक बलों के जवानों को तैनात किया गया है। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह प्रभावित समूह और अधिकारियों के साथ बैठक की थी। उन्होंने इसके बाद लोगों से शांति की अपील करते हुए कहा था कि हिंसा करने वालों पर कार्रवाई होगी। यही बात सीएन एन बीरेन सिंह ने भी दोहराई थी। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर एमएस न्यूज़ टी डाउनलोड करें। इंस्टाग्राम, ट्विटर, हाइकू, फेसबुक
और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, आप हमारे चैनल को लाइक भी दे सकते हैं। www.msnewsd.com पर फिलहाल वक्त चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बनी रही है MS News 3 पर। नमस्कार। ये है MNS News Network और आप देख रहे हैं MNS News।